बनो या न बनो हमारे प्रभु जी, हमको तो तुम्हारा होना है, हमको तो तुम्हारा होना है। श्याम मुरलिया वाले नगर, लाल मुरलिया लाल राधा जीवन राधा जीवन राधा जीवन मुरली को पाल मुरलिया पाल राधा जीवन निर्मल मुरलिया राधा जीवन निर्मली को पाल मुरलिया पाल राधा जीवन गोपाल मुरलिया राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया नीलमणि गोपाल मुरलिया राधा जीवन श्री राधा जीवन राधा जीवन नीलमणि गो पाल मुरलिया राधा जीवन नीलमणि गोपाल मुरलिया हमारे सूत जी सौनक इत्यादि ऋषियों के भाव को देखकर द्रवित तो हो गए, गदगद हो गए। सूत जी को रोमहर्षण कहा जाता है। उस सूत जी को रस कहां से मिला था? सुखदेव जी तो दिए हैं। देखो आप गुरुदेव के पास से रस चाहते हो ना, तो गुरुदेव के समक्ष बैठो और गुरु का आसन भी ज्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, ऐसा ना लगे कि हम अलग अलग हैं, थोड़ा ऊंचा रहे अंतर में, थोड़ी सी मर्यादा पर ज्यादा ऊंचा नहीं, ऐसा लगे हम उसके साथ साथ। सुखदेव जी सूत जी को रस देना चाहते थे तो आगे बैठा लिए, जैसे विद्यालय में छात्र कई पढ़ने वाले होते हैं, लेकिन जो बालक ज्यादा समझदार होता है या शिक्षक का उससे लगाव हो जाता है तो हमेशा उसको सामने बैठाता कि नहीं, उसके सामने बैठा, पास बैठ सामने बैठ, क्यों? ये उससे स्नेह करने लगा है। शिष्य गुरु से स्नेह करे बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु शिष्य से करे और अच्छी बात है। हम गुरुदेव को चाहे बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरुदेव भी हमको चाहने लगे तो ये और अच्छी बात हो जाए, क्यों? हम जिसको चाहते हैं हर पल अनवरत उसी का चिंतन होता है, और जब साधक का चिंतन होगा तो कहीं 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 ना कहीं साधना का संचार तो कितनी गर्मी होगी, लेकिन जब गंगा में डुबकी लगाओगे बाबा तो गर्मी को भगाने के लिए कुछ करना अलग से, डुबकी लगाते गर्मी कहां चली गई पता नहीं चला।
लेकिन गंगा का संग तो करना पड़ेगा। गंगा के तट पर बहुत लोग आते हैं, ध्यान रखना। कोई तो व्यापार करने आता है, तो कोई ये देखने आता है कि यहां क्या हो रहा है। कोई गंदगी भी करने आता है, तो कोई गंदगी साफ करने भी आता है। लेकिन कुछ ऐसे आते हैं जो गंगा में डुबकी लगाने के लिए आया करते हैं। जो गंगा में डुबकी लगाने आया है, गर्मी उसी की दूर होगी, ताप उसी के अंदर का दूर होगा। आज सूत जी के एक नाम रोमहर्षण है। रोमहर्षण क्यों कहते हैं? इनके समक्ष कोई भगवान का नाम ले ले, इनके प्रेमाश्रु टपकने लगते हैं, शरीर में रोमांच हो जाता है। देखो भाई, जिसका जिससे सच्चा प्रेम होता है, उस प्रियतम की चर्चा में खुशी के आंसू तो आ ही जाते हैं। प्रियतम सामने है, बात करते करते प्रेमाश्रु टपक पड़ते हैं। प्रियतम दूर है, तो उसकी चर्चा करते करते उसके वियोग में अश्रु आ जाते हैं। और जिसके वियोग में, जिसके चिंतन में अश्रु प्रवाहित हो, समझ जाना अब आपका इससे स्नेह हुआ है, यही आपका कल्याण करेगा। सूत जी हमारे भावुक हो गए। कितना सुंदर भाव व्यक्त किए, गुरुदेव कृपा करो। गुरु का प्रेम मिले तो योगियों के लिए अगम्य पद जो वैकुंठ है उसकी प्राप्ति हो सकती है। तो सूत जी विचार किए, साधक के जीवन में पहले विचार होता है, फिर कार्य होता है। संसारियों के जीवन में केवल कार्य, ऐसा नहीं। कायर के जीवन में विचार, राक्षस के जीवन में कार्य, और साधक के जीवन में विचार और फिर कार्य। और हमेशा कार्य हमारे जीवन का ऐसा हो, उस कार्य में भले आपको ठोकर मिले, ठोकर समाज की खा लेना, चिंता नहीं करना, लेकिन उस कार्य से कम कुछ लोगों का भला हो। तो लोगों की भलाई के लिए हमको ठोकर भी खाने पड़े तो समस्या नहीं है। ठोकर तो हम रोज खाते हैं, क्या घर में ठोकर नहीं मिलती? क्या घर में भी ठोकर मिलती है? कभी बच्चे ठोकर मारेंगे, कभी देवी मारेगी, कभी देवता मारेंगे। ये हर घर का काम बाबा, कि जिसके मन का ना होगा वही शब्द की ठोकर मारेगा। ठोकर का मतलब कोई लठ मारना नहीं होता है, शब्द से ठोकर तो मारता है ना। अरे हमने आपको एक काम का और आप वो भी नहीं किए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हो फिर? अब श्रीमान जी बेचारे लगे परेशान होने, मैं तो आपके लिए सब कुछ कर सकता हूं। अरे क्या कर सकते हो, हमने एक चीज के लिए कहा वो तो लाए नहीं अभी तक, ये ठोकर नहीं है क्या? ठोकर के अनेक रूप होते हैं, लेकिन परोपकार के लिए ठोकर भी सहना पड़े तो वही ठोकर ठाकुर से मिला दिया करते हैं। ठोकर हर किसी को लगी है, एक ठोकर पाकर संभल गया है और एक ठोकर खाकर भटक गया है। अब हम संभलेंगे या भटकेंगे, ये हमारा अपना विषय। सूत जी विचार किए, क्या कहते हैं आइए देखें। प्रीति ही शौनक चित्ते ते यतो वचमि विचार्यच सर्व सिद्धांत निष्पन्नम् संसार भयनाशनम् कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम् एतस्माद् परा किंचन मना शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवे पुण्यम तदा भागवतम लभे। सूत जी विचार किए,
इनकी कल्याण के लिए सबसे सरल है भागवत की कथा। कलिकाल में आप कुछ नहीं कर सकते, तो केवल कथा में आकर के बैठ जाओ। बोले महाराज क्या कथा का असर, कथा में तो हम कई बार बैठे। अरे भाई बाद की बात छोड़ो, आपको प्रत्यक्ष फल मिलता है, आपका मन कितना ही अशांत हो श्रोताओ, लेकिन आप भगवान की कथा में जब बैठते हो तो अपने आप से पूछना मन को शांति मिलती कि नहीं मिलती। बोलो भविष्य की छोड़ो, वर्तमान में उसका लाभ मिल रहा। कोई व्यक्ति ऐसा जिसको 10 दिन से नींद ना रही हो, बैठा दो कथा में 10 मिनट उसको नींद आ जाएगी। दस मिनट में बालक वो कोई भी सो जाएगा। तो कथा में मिलता क्या नहीं, तत्काल पर मिलता। एक संत ने कहा कि देखो भाई बाद में क्या होगा ये मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक भैंस पानी में डूबी है तब तक तो मच्छरों से बची कि नहीं बची है। हम लोग जब तक कथा में हैं तो संसार के प्रपंचों से तो बचे हैं ना, बाद में जो होगा देखा जाए। इतना समय अच्छा निकल गया, क्या ये कम है? सूत जी विचार के इनके लिए तो सबसे सरल भागवत की कथा। लेकिन भागवत की कथा में समस्याएं बहुत आती हैं, इसे बहुत समस्या आती है मेरे। लेकिन समस्याओं को अपनी जगह आने दो। एक बात और ध्यान रखना, जब गुलाब का पुष्प अच्छा होता कि नहीं, लेकिन गुलाब का पुष्प चाहिए तो कहीं ना कहीं कांटों का भी थोड़ा सा रस तो। गुलाब पुष्पों का राजा कहा गया है, लेकिन हमेशा कांटों की सेज पर सोता है। आपको भी कृष्ण की गोद चाहिए, कृष्ण के लिए प्रिय बनना है तो ये समाज कितने कांटों का ताज दे, लेकिन आप अपने मार्ग को मत छोड़ना, अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, आपको मिठास आपका कृष्ण देगा। सूत जी जब कथामृत रस पान के लिए उद्यत हुए तो वहां देवता आ गए अमृत का कलश लेकर। महाराज आप परीक्षित को ये अमृत पिला दो और आपके मुख से जो निकलने वाला कथामृत है वो हम लोगों को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा अरे स्वार्थी देवताओं, आपके द्वारा जो लाया गया अमृत है ये तो कांच के टुकड़े के समान है, और मेरे मुख से जो निकलने वाला है ये पारस मणि के समान है। ऐसा कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य के हाथ से पारस मणि छीन के कांच का टुकड़ा पकड़ा दे? को काचा को निर्माण देवताओं का उपहास हो गया, बोले तुम उसके अधिकारी नहीं हो, बैठना बैठ जाओ। कथारस का प्रवाह प्रवाहित हुआ। सौनक इत्यादि ऋषि जिज्ञासा व्यक्त किए, देवर से नारद यत्र तत्र विचरण करने वाले। नारद जी क्या भगवान के संकल्प हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं, और जब तक नारद कृपा नहीं करेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलेंगे, ध्यान रखना नारद की कृपा जरूरी है। नारद की कृपा से ही हमको गोविंद का दर्शन होगा। यत्र तत्र भटकने वाले नारद एक जगह बैठकर भगवत कथामृत का रसपान कैसे किए? सौनक के त्याग जिज्ञासा जब व्यक्त किए तो सूत जी क्या उत्तर देते हैं, आइए उसका आनंद ले। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशोस्तत्र नारदम् कथम ब्राह्मण देन मुख कुतश्चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। ब्रह्मा के मानस पुत्र सनकादि बद्रिकाश्रम से थोड़ा सा आगे गंधमादन पर्वत पर विशाला नाम का नगर,
वहां चारों भाई बैठ करके मस्ती में मस्त है। उनके जीवन के एक ही व्यसन है भगवान की कथा, उनके जीवन का एक ही व्यसन है भगवान की कथा और कीर्तन। कोई आ गया तो ठीक है, नहीं आया, एक भाई प्रवक्ता, तीन भाई श्रोता, कभी कोई प्रवक्ता कभी कोई श्रोता। और जिसके जीवन का व्यसन भगवान की कथा हो उसके जीवन में समस्या नहीं आती। हमने आपको प्रातः काल कहा था ना कि भगवत कृपा के चार सूत्र हैं। पहला, भगवान की कथा करना, कथा का संग्रह करना, कथा रसपान करना और कथा के लिए अनुमोदन करना। प्रातः काल बताया था ना आप लोगों को, ये उसके कृपा के सूत्र भगवान के। पद्म पुराण में कहते हैं, मत कथा वाचकम नित्यम, मत कथा श्रवणे रतम, मत कथा प्रीति मनसम, नाहम त्यक्षामितम नरम। हमारे प्रभु ने कहा, देखो जिसको मेरी कथा से प्रेम हो गया है, जानते भले नहीं है पर उनको कथा से प्रेम है। कथा से प्रेम हो जाना ही कथा को जानना है। यदि आपका कथा से प्रेम हो गया तो आप कथा को जान गए, और कथा से प्रेम नहीं हुआ तो नहीं जाने। क्यों? बगैर जाने प्रेम नहीं होगा, बगैर प्रेम के कल्याण नहीं होगा। जाने बिनु न हो ये प्रतीति, बिनु प्रतीत हो ये नहीं प्रीति। बगैर जाने आपसे प्रेम, और बगैर प्रेम के कल्याण नहीं। तो कथा से प्रेम होना ही कथा को जानना है। जिसके जीवन का व्यसन है कथा करना, जिसके जीवन का व्यसन है कथा रसपान करना। प्रभु कहते हैं, मैं ऐसे भक्तों का त्याग कभी नहीं करता, मैं उनके अंग संग रहा करता हूं। जिससे आप लोगों के जीवन का एक व्यसन है, एक जुनून है कि हमको साल में तो यह कार्य करना है। अब आप भले साल भर नहीं करते हो, साल में सात दिन करते हो, लेकिन आपके दिमाग में साल भर ये बात घूमती तो रहती ना कि नहीं अभी तो अपनी कथा का समय अभी नहीं आया, अब अपनी कथा का समय। कथा वही है लेकिन इस कथा से अपनापन का एक भाव, ये अपनी कथा है। अपनी कथा में हम ऐसी व्यवस्था करेंगे, अपनी कथा में कलश यात्रा ऐसे हो, अपनी कथा में ये जो अपनापन का भाव है यही भगवान को जानना है, और ये भगवान के प्रेम का लक्षण है, और इसी प्रेम के सिद्धांत से, इसी प्रेम के सूत्र से आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी कथानक क्या है मत समझो, बस इतना जान लो कि मेरी अपनी कथा है। इसे कई बार हमारे भाई लोग कहते हैं, अरे नहीं तो अपनी कथा है तो चलती रहे कि नहीं, चलती रहनी चाहिए कि नहीं। तो अब ये अपनी कथा है इसलिए चलती रहे, यही जो हमारा क्रम है यही क्रम हमारा कल्याण करेगा। बस बाकी भागवत में क्या लिखा है आपका विषय नहीं, आप उसको जानने का प्रयास ही मत करो। देखो सारी जिंदगी व्यतीत कर दोगे, 18,000 श्लोक नहीं समझ पाओगे, लेकिन चाहो तो एक पल में 18,000 श्लोक जान सकते हो। कैसे? नहीं, कृपा तो हो ही जाएगी। एक अपनापन का भाव करो, ये अपनी कथा है, अपना कृष्ण, अपने भागवत है, अपने राम जी हैं, अपनी राधा रानी है, बस ये भाव ये कल्याण कर देगा, यही अपनापन का भाव। अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों से मैं कई बार पूछा हूं, आप लोग भगवान को मानते हो कि जानते हो? क्या फर्क? क्या करते हो? जानते हो कि मानते हो? क्या करते? कुछ भी नहीं बोलना, चलो नहीं बोलना अच्छी। मानते हो तो भी अच्छी बात है और जानते हो तो भी अच्छी बात है, दोनों में अच्छी बात है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक ही समस्या है,
आप यदि कहते हो कि हम मानते हैं तो फिर आपके अंदर विश्वास भी होना, विश्वास का मार्ग मानने का होता है, और जानने के मार्ग में विवेक की आवश्यकता होती है। विवेक की जागृति कब होती? सत्संग से होती है। सत्संग कब मिलता है? जब गुरु कृपा होती है। और जब गुरु कृपा से सत्संग मिलेगा तब विवेक की जागृति होगी, जब विवेक की जागृति होगी तब उस विषय को जानोगे, और जब जानोगे तब प्रेम होगा। बहुत लंबी सीढ़ी है, मानने की सीढ़ी, ज्यादा लंबी नहीं। हाँ, विश्वास दृढ़ मानते हैं तो मानते हैं। क्या है कैसे मेरा विषय नहीं, हम मानते हैं तो मानते हैं, इतने में कल्याण हो जाए। अब ये आपका विषय है कि आप किस तक पर बैठे हो, कहां बैठे हो। तो चारों भाई इनके जीवन का व्यसन है कथा और कीर्तन। कोई मिल गया ठीक है, नहीं मिला आपस में कथा कर रहे हैं। जहां बैठो चार लोग भगवान की चर्चा करो, भगवान की चर्चा करोगे भगवान का नाम लोगे कल्याण होगा। अजय एक काम करो, कभी परीक्षण करना, एक घंटा आपस में चार लोग बैठ के भगवान की चर्चा करो, और एक घंटा बैठकर सब अपने सुख दुख की चर्चा करो, देखना मन को शांति किसमें ज्यादा मिलती। इसका परीक्षण खुद कर लो। चार लोग बैठकर एक घंटा भगवान की चर्चा कीर्तन जो बने वही, नहीं चार घंटा चाहे अपने व्यापार की या सुख दुख की निंदा चुगली किसी कुछ भी करो, और फिर दोनों में परीक्षण करके देखना कि आनंद ज्यादा किसमें आया, और जिसमें आनंद आ रहा उसी मार्ग में चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मार्ग आपके लिए सफल। संकाधिकों के जीवन का एक ही व्यसन है क्या, हरि शरणम 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 हरि शरणम। नारद जी पहुंचे, सनकादि पूछते हैं, कथम ब्राह्मण दीन मुखा कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। अरे ब्रह्मा के मानस पुत्र, आज आपका मुखमंडल उदास अनमनस्क क्यों है? आपको किस बात की चिंता सता रही है? संत की सभा चिंता में नहीं चिंतन में। भगवान के भक्त चिंतन किया करते हैं, चिंता नहीं करते। भक्ति के मार्ग का आनंद लेना है तो चिंतन करना सीखो। चिंता करे भलाए हमारी जगती के जंजाल की। देखो बाबा कितने चिंता करो, चिंता करने से कोई कार्य बनने वाला बनता है नहीं। और चिंतन करोगे तो, जब चिंतन करोगे तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें।
चिंतन करोगे तो क्या होगा। तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है बताओ क्या कहें मोहन। हमें दिन रात रुलाती है हमें दिन रात रुलाती है बताओ क्या करूं राधे। हमें दिन रात रुलाती है हमें दिन रात रुलाती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है तुम्हारी याद आती है बताओ क्या कहें मोहन। क्या करें मोहन।
चलो जब ये न चलने दे, रुको जब ये न रुकने दे। चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। चलो जब ये ना चलने दे, रुको जब ये ना रुकने दे। मिले आरों से मिलने दे, मिले आरों से क्या करे मोहन तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, हमें इतना सताती है, हमें बताओ क्या करें मोहन, तुम्हारी याद आती है। बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें मोहन। चिंता किसी समस्या का समाधान नहीं, चिंतन करो, होगा वही जो प्रभु चाहता होगा। हमारे आपके चाहने से आज तक कुछ हुआ ही नहीं, क्यों परेशान हो बाबा? इस संसार में हम और आप आए हैं किसकी इच्छा से आए हैं बोलो? भगवान की इच्छा से। और यहां रहेंगे कब तक? जब तक भगवान की इच्छा। तो कार्य किसकी इच्छा से होना चाहिए? भगवान की इच्छा पर छोड़ दो ना। आए हैं भगवान की इच्छा से, रहेंगे भगवान की इच्छा से और चलेंगे यहां से। तो और कार्य बोले हमारी इच्छा नहीं थी, ऐसा क्यों? यही हमको आपको कष्ट देता है। यह भी इच्छा कृष्ण पर छोड़ दो। और जब हमारे अंदर ही आता है कि हमारी इच्छा ऐसी नहीं थी, वहीं चिंता का जन्म हो जाता है। और जब कृष्ण की इच्छा पर छोड़ देते हैं तो वहीं चिंतन का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। होगा वही जो वो चाहता है। आए कन्हैया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। संकादिकों ने कहा महाराज, संत की सभा चिंता में नहीं, चिंता में। आपको किस बात की चिंता सता रही है? इतनी शीघ्रता के साथ कहां से आ रहे हो? आपके आने का कारण क्या है? तब नारद जी ने कहा, जानना चाहते हो तो सुनो, संत कभी चिंतित तो होता है तो अपने लिए नहीं, समाज के लिए। वृक्ष, संत और नदी, इनका जीवन अपने लिए नहीं होता है, हमेशा परोपकार के लिए होता है। स्वयं वृक्ष फल खात नहीं, नदी न पीवे नीर, परमारथ के कारण संत जन धरे शरीर। ये परोपकार के लिए आते हैं, इनका अपने लिए कुछ नहीं है। क्यों? ये अपने आप को उस व्यापक से जोड़ लिए हैं। और जब उससे जोड़ लिए तो क्या मतलब? मेरे मन में भाव आया, मैं जाकर मृत्युलोक में देखूं वहां के लोगों की क्या दशा है। सबसे पहले मैं तीर्थों में गया,
नारद जी कहते हैं बड़ी ग्लानी हुई, क्यों? लोभियों के निवास के कारण देवता तीर्थ को भी छोड़, देवता तीर्थ छोड़ दिए। गृहस्थ में जाकर के देखा तो वहां भी समस्या, वृद्ध माता पिता की कोई सेवा करने को तैयार नहीं। आश्रम जब नहीं वृद्धा, आश्रम में जाकर के देखा वहां की व्यवस्था विकृत हो गई, बड़ी ग्लानि हुई। भ्रमण करते करते मैं पहुंच गया कहां, यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरे रघुत, पहुंच गया यमुना के तट पर वृंदावन। वृंदावन तो वृंदावन है, आप लोग बड़ भागी हो, वृंदावन के पास जब चाहो बांकी बिहारी बुला लेते हैं, बड़ी कृपा उनकी। जितने पल वृंदावन में व्यतीत कर लो उतने बहुत है। वृंदावन में सोना भी समाधि है, वहां जाकर के खाली सो जाओ तब भी भगवान आपका कल्याण कर दे। बड़भागी है वो जन जिनका वृंदावन से प्रेम है। वृंदावन जाते रहा करो, आप लोग जाते हो, एक बात ध्यान रखना, वृंदावन जाते रहा करो नहीं, वृंदावन आते रहा करो। पढ़े लिखे हो थोड़ा शब्द पर विचार करना, रोज कहां आते हैं हम, रोज कहां आते हैं, जिसको अपना घर मानते हैं, लेकिन पड़ोसी के यहां रोज नहीं, पड़ोसी के यहां कभी कभी जाते हैं, तो वृंदावन पड़ोस नहीं है, वृंदावन अपना घर है। वृंदावन हम जाते नहीं है, वृंदावन आते हैं, ये भाव रखो, ये मेरा घर है, अपने घर में आते हैं, जब मेरा कन्हैया बुलाया आ जाते हैं, जब भेज दिया जा तुझे ये कार्य करना है। अब बालक घर पर आया, माता पिता ने कहा बेटा आपको ये कार्य करके आना, अच्छे लगे, लेकिन जब माता पिता का संदेश आया, फोन जाता है, तो बेटा क्या कहता है, आते हैं कि जाते हैं, क्या बोलता है? आ रहे हैं, आते हैं, काहे को परेशान, आते हैं भाई, आ रहे हैं कि जाते हैं, क्या कहता है? जाते हैं। और वृंदावन जाते हैं, यही तो समस्या है। बेटा फोन कर रहा है या पिता कर रहा है या मां कर रही है, आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो मेरा बाकी बिहारी भी तो बुला रहा है, अरे कह दो पिताजी आ रहे हैं, या जो रिश्ता अच्छा लगे, आ रहे हैं महाराज, आ रहे हैं, राजा बुलाए, आ रहे हैं, आप बुलाओ और मैं ना हूं ऐसा नहीं हो सकता, आते रहा करो। दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो। दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो, 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 नहीं दूर मेरा गांव आते रहा करो, नहीं दूर मेरा गांव रे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो।
के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते, रो रो के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते, रो रो के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते, रो रो के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते। दर्शन दिखाने, दर्शन दिखाने, हमारे घर में सांवरे लोग बैठे, इनसे मैं कह रहा हूँ, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करे, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो, नैना हुए ये पावरे आते रहा करो, नैना हुए ये बावरे आते रहा करो, नैना हुए ये पावरे आते रहा करो, नैना हुए ये बावरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सावरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सावरे आते रहा करो। लोक मटकिया तुमको निहारते, कन की मटकिया तुमको निहारते, माखन की लोक मटकिया तुमको निहारते, माखन चुराने, माखन चुराने सावर आते रहा करो, माखन चुराने सावरे रहा करो, नहीं दूर मेरा गावरे आते रहा करो, नहीं दूर मेरा गाँव रे आते रहा करो, नहीं दूर मेरा गावरे आते रहा करो, नहीं दूर मेरा गाँव रे आते रहा करो, दर्शन उठा सावरे रहा करो, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा करो। कहने का हमारा भाव, हम लोग वृंदावन जाते हैं, वृंदावन हम लोग बोले महाराज हम तो हर महीना जाते, भगवान की बड़ी कृपा, लेकिन ग्वालवाल कन्हैया क्या है, कन्हैया मेरा कहता है, ग्वालवाल भी कहते हैं, कन्हैया भी कहता है, कभी जाया करो, मैं भी अपने भाइयों से क्या करता हूं, कभी कोई दर्शन दे दिया करो हमको, अरे 365 दिन में 358 तो घर ही का दर्शन कर, 7 दिन दे दिया करो दर्शन हमको, दर्शन दिखाने सांवरे आते रहा, कन्हैया की नगरी में आना है, जाना नहीं, क्यों, वही तो मेरा घर है, हम घर आते हैं लेकिन पड़ोसी के यहां, ठीक है ना, ऐसे ही है, तो कन्हैया पड़ोसी है ना, तो क्यों बोलते हैं वृंदावन हम जाते रहते हैं, प्राय लोग यही बोलते हैं ना, अरे महाराज हम तो गढ़ गंगा जाते रहते हैं, हरिद्वार जाते रहते हैं, वृंदावन जाते रहते हैं, आया करो, रो रो के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते, रो रो के ग्वाल गोपिया तुमको पुकारते, दर्शन दिखाने, दर्शन दिखाने सावरे आते रहा करो, दर्शन दिखाने सावरे आ
साथी रहा करो नहीं दूर मेरा कांवर आते रहा करो नहीं दूर मेरा कांवरे आते रहा करो नैना हुए कांवरे आते रहा करो नैना हुए ये बाबरे आते रहा करो दर्शन दिखाने सारे आते रहा करो दर्शन दिखाने सारे आते रहा करो नारद जी भ्रमण करते करते पहुंच गए वृंदावन आप लोग भी वृंदावन तो जाते रहते अच्छी बोले महाराज हर महीने हम जाते हैं कोई दो चार महीने में जाते हैं हर महीने तो नहीं जाते पर हम कई बार भक्त लोग आते हैं गुरुजी एक व्यक्ति को मैं जानता हूं इतने वर्षों से गिरिराज जी जाते हैं मैं उस व्यक्ति को जानता हूं बीसों वर्ष से उनके परिवार से कोई ना कोई गिरिराज जी तो जाता ही जाता है और गिरिराज जी सोचते हैं एक भी तो आ जाए मेरे पास जाने वाले आने वाला तो कोई है ही नहीं अच्छा मुलाकात किससे होती जाने वाले से कि आने वाले से मुलाकात जाने वाले से कहने वाले से जाने वाले से तो हम लोग गिरिराज तो जाते रहते हैं तो गिरिराज कहां से मिलेंगे बोले माता रानी के भवन हमारे बगल हम जाते रहते हैं हम तो सुबह शाम मंदिर जाते रहते हैं माता रानी के भवन जाते हैं जाओ नहीं मां के भवन में आओ मां मिलेगी बात करेगी आप बात समझ आएगी कि नहीं आ गई अब क्या कहोगे आज से जाते आते रहते नारद जी आकर के क्या देखते हैं बड़ा विलक्षण दृश्य एकाद तरुणी तत्र निशरणा खिन्न मानसा एक युवती है दो अचेत पुरुष पड़े अरे ये क्या नाटक है हाँ भी कलयुग आ गया तब तक वो भक्ति नारद को देख ली नारद जी ने कहा नहीं मैं संत हूं संत का संतत्व अपना परिचय होता है देखो जो साधक के मार्ग में होते हैं वो सरल सहज होते हैं कई बार कांटा चुभ जाए तो कांटा को निकालने के लिए बगल में कांटा तो चुभाया जाता है पर बाद में उसे मलहम भी लगाया जाता है अब कांटा चुभा है तो निकालने के लिए कांटा तो चुभाना पड़ेगा लेकिन जो कांटा चुभाता है बाद में मलहम भी फिर घाव भी वही भरता है साधकों का ये आपके अंदर दुर्बुद्धि का कांटा चुभ गया है उसको निकालने के लिए कांटा चुभाते हैं और बाद में फिर मलहम लगाते हैं आओ तुम्हारा दर्द दूर करते हैं यही तो साधक की साधना है और क्या भक्ति महारानी ने कहा महाराज एक क्षण के लिए ठहर जाओ भो भो साधो क्षण तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम आप एक क्षण के लिए ठहर जाओ संत के जीवन का एक क्षण अन्न का एक कण बड़ा महत्वपूर्ण होता है बाबा संभालने का प्रयास करो एक कण से ही अनेक तैयार होते हैं और आपके जीवन का कौन सा क्षण आपके जीवन को बदल दे आपको यह पता नहीं संत को पता है साधक को पता है कब बदले जी ने कहा देवी आप हो कौन काशि तुम कामिम उचे मा नार्यः का पद्मलोचना वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम आपके दुख का कारण क्या आपका परिचय क्या बताओ तो सही विस्तार से उसने कहा महाराज जानना चाहते तो सुनो
अहम भद्र तीख्याताई मो में तने मतो ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योग न जर्जरो मेरा नाम भक्ति है मेरे बेटे ज्ञान वैराग्य माँ जवान बेटे बूढ़े बोले कलयुग में सब हो जाएगा ये कलिकाल का लक्षण है ये सब हुआ कैसे तो उसने कहा महाराज उत्पन्ना द्रविड़ेशाह वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता मेरा जन्म हुआ द्रविड़ देश तमिलनाडु कर्नाटका में जाकर के बड़ी हुई महाराष्ट्र में हृष्ट पुष्ट हुई गुजरात में जाकर के जर्जर हो गई लेकिन धन्य वृंदावन की भूमि जहाने के बाद पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर ली लेकिन मेरे बच्चों का कष्ट दूर नहीं हो रहा इसलिए विदेशम गम्यते मया अब मैं विदेश चली जाऊंगी और महाराष्ट्र में तो महाराज इस कलिकाल में भगवान का दर्शन हुआ है नामदेव जी एक भक्त हुए हैं उनकी भी 18वीं पीढ़ी चल रही है 17वीं 18वीं पीढ़ी नामदेव जी को 56 बार भगवान का दर्शन हुआ इसी कलयुग में नरसिंह मेहता गुजरात में हुए शामल शाह नरसिंह मेहता उनको भगवान 52 बार दर्शन दिए कहीं 53 का विधान कहीं 52 का इतनी बार दर्शन नरसिंह जी को मिला कलयुग में आप लोगों को भगवान का दर्शन मिल सकता है लेकिन समस्या है कि दर्शन चाहिए किसको दर्शन के लिए फुर्सत कहां समय नहीं है ना इसीलिए तुम्हारे भक्त खुद कहते हैं कन्हैया कहता भक्तों से खुद आ जाओ दर्शन दिखाने सांवरे आते रह करो तो आते भी नहीं अब जाते हैं वृंदावन बोले हम जाते हैं आते नहीं अब कन्हैया तो कहता आओ ये कहते हैं जाओ तो क्या कैसे हो कौ रही कैसे निभे केर बेर को संग एक तो डोलस प्रेम रस एक के फाटक अंग साधक तो बुलाता है कि आओ सेवक तो नहीं मैं जा रहा हूं फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूं अब साधक तो कहता है कि आओ वो कहता मेरे पास टाइम नहीं मैं जा रहा हूं तो जाओ भाई जाने वाले को रोका कौन है कोई नहीं रोका है और आने के मार्ग पर जो बैठ गया है भगवान न मिले ऐसा हो नहीं सकता आने वाले को पाने से कौन रोका है कौन रोक सकता है जो आया उसको मिलेगा आके देखो तो तारक जी ने कहा देवी आपको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं तो क्या करें महाराज अरे हमारे प्रभु जो द्रौपदी की रक्षा किए भरी सभा में गोपांगनाओं का पालन पोषण किए वो कहीं नहीं गए द्रौपदी च परित्राता ये न कौरव कश्मलात पालिता गोप सुंदरिया स कृष्ण क्वापि नो गता वो कृष्ण कहीं नहीं गए आज भी हैं क्या करें बोले चिंतन करो भगवान के चरणों का चिंतन करो सारी समस्या दूर हो जाएगी देखो जब विस्मृति होती है तो विपत्ति आती है और जब विस्मृति होती है तो संपत्ति आती है संपत्ति क्या है भगवान को पाना भगवान को याद करना विपत्ति क्या है भगवान को भूल जाना अरे यहां आज का मानव बड़ा समझदार है अरे आप भगवान की बात करते हो या मरने की फुर्सत नहीं है भगवान भगवान की बात करते काहे को झूठ बोलते बाबा जब यम के दूत आएंगे लेने ना तो फिर कोई बहाना नहीं चलेगा फिर तो बैठे बैठे चले जाओगे खड़े खड़े चले जाओगे कुछ पता ही नहीं चलेगा एक व्यक्ति अपने घर में कहता भोजन थाली लगाना मैं भी आ रहा हूं प्रसाद पाने मित्र को छोड़ने जा रहा हूं वो घर से निकला रोड तक और रोड कितनी दूर जैसे सामने आपकी रोड यहां देवी थाली लगा रही है सूचना आ गई वो तो खत्म हो गया 42 वर्ष का मित्र को बैठाने गया बस में दूसरी बस आई उसके ऊपर से निकल गई मित्र तो बैठा बस में गया वो लौटने लगा एक बस उसके ऊपर से चली गई अब यहां पत्नी थाली लगा के बैठी वहां दूसरी सूचना आ गई यह है जीवन पल की खबर नहीं सामान 100 वर्ष का हम कब तक रहेंगे ये गारंटी लेकिन यहां जाएंगे इसकी गारंटी है
इसलिए भगवान की स्मृति ही संपत्ति है और भगवान की विस्मृति ही विपत्ति है। आप कृष्ण का चिंतन करो। नारद जी वेद वेदांत उपनिषद गीता पाठ से थोड़ी सी चेतना आई, संकादिकों के पास आके चिंता का कारण बताए, बोले इनको भागवत की कथा का रसपान करवाओ। संकादिकों से नारद जी ने कहा, महाराज फिर आपसे योग्य प्रवक्ता कौन होगा? संकादि गंगा के तट पर आए, देखो ये कृष्ण कैसा नटखट है, ठीक है ना। नटखट की कथा को समझने के लिए दो जरूरी है, तट और बट। क्या जरूरी है? तट और बट। परीक्षित सुखदेव का जो संवाद हुआ है तो गंगा का तट भी है और बट वृक्ष का, सुखतीर्थ में बट वृक्ष है ना, आप लोग गए थे यहां, तट भी है और बट भी है। तो नटखट की कथा को समझने के लिए तट की कथा या बट की कथा क्यों है, किसकी कथा है? ये नटखट की कथा है। समय यदि अनुकूल रहा, मिला अपने पास 4 घंटे का तो समय, इसमें प्रयास करेंगे तो आप लोगों को एक बिंदु पर जरूर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। इस बार शायद मैं पिछली बार छेड़ दिया था इस बात को या नहीं छेड़ा था, कृष्ण के साथ कंस का और राम के साथ रावण का नाम है। त्रेता में राम और रावण है, इन दोनों की एक राशि है। द्वापर में कृष्ण और कंस है, दोनों की एक राशि है कि नहीं? कंस में भी का है और कृष्ण में भी, राम में भी रहा है, रावण में भी। क्या मतलब है इसका? क्या इसका मतलब समझते हैं हम लोग? कभी इन बिंदुओं पर चिंतन करते हैं क्या? बस वो एक अर्धाली सुन लिया, राम रावण को मार दे, कृष्ण कंस को मार दे। अरे बाबा ये तो छोटा बच्चा जानता है, ये कौन सी नई बात बता रहे हो आप? द्वापर में कृष्ण और कंस हैं, त्रेता में राम और रावण है, दोनों की राशि एक है। अंतर क्या है, इसका राज क्या है, इस लीला से हमें क्या मिलने वाला है, हमको वो चाहिए। हम दुकान में गए हैं, दुकानदार के पास बहुत सारा सामान है, हमारे काम का नहीं है। हमारे काम का उतना ही सामान है जिससे हमारी संतुष्टि हो, हमारे शरीर के हृष्ट पुष्टि, ठीक है कि नहीं? कि सारा दुकान लेके आ जाते हैं। अब भंडारे में जो चल रहा है चकाचक यहाँ, वो तो 8 दिन चलेगा, कन्हैया कृपा है और हमारे भाइयों का उत्साह है, अच्छी बात है कि भंडारा चलता 8 दिन। अब इसमें जो आ रहा है तो जिस दुकान से भी आया होगा पूरा दुकान का माल आ गया होगा कि थोड़ा ही आया होगा, जितना आपको चाहिए। तो आपके लिए जो ग्रास बनकर आपकी संतुष्टि कर रहा है वही अन्न आपके काम का है, लेकिन जो गोदाम में सड़ रहा है वो हमारे काम का नहीं है। कथा का प्रसंग वही हमारे काम का है जिस प्रसंग से हमारा कल्याण हो, हमारे अंदर की भ्रांति दूर हो, वही तो हमारे काम का है। प्रयास करेंगे इस पर प्रकाश डालें। आगे मेरे गोविंद की इच्छा, आपका अपना भाव। संकादि बन गए प्रवक्ता, नारद जी बन गए श्रोता, गंगा के तट पर कथा हो रही। जितने भगवत कथा के रसिक वैष्णव जन सब के सब भागे भागे जा रहे हैं। देखो जो भगवत कथा के रसिक होते हैं लंपट होते हैं, उनको बताने की आवश्यकता नहीं। ये प्रशांत विहार में हमको लगता है कि इस साल में 30-40 कथाएं हो जाती होंगी कि नहीं, और अच्छी बात। हम तो कहते हैं 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, 52 कथाएं हो यहां, क्या बुराई। लेकिन जब भी ये शरीर आता है यहां कथा करने तो कई ऐसे श्रोता मुझे देखने को मिलते हैं जिनको इंतजार रहता है कथा का, ये अच्छी बात है। आपने इंतजार भी किया था तो किसका किया है?
कथा का मेरे कृष्ण का ही तो किया। और सब्र का फल तो मीठा होता है। एक बात ध्यान रखना, सब्र के ही वृक्ष में बादाम का फल लगा करता है। अपने जीवन को अनमोल बनाना है तो सब्र तो करना चाहिए। जितने भगवत कथा के ऋषि वैष्णव संत सब के सब जा रहे हैं और एक दूसरे को बताते हुए जा रहे हैं। कथा में आना अच्छी बात है, लेकिन लोगों को बताना, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। यहां हर वर्ष कलश यात्रा में संख्या बढ़ती जा रही है। हम तो चाहते हैं कि जब गंगा की धार गौमुख से चली थी तो पहले छोटी थी, हरिद्वार में आने के बाद थोड़ा सा बड़ी हुई है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ी है तो गंगा सागर पहुंचते पहुंचते व्यापक हो गई थी। उसी प्रकार प्रशांत बिहारी की भी कलश यात्रा और कथा ये गंगा सागर पहुंचते पहुंचते इतनी व्यापक हो जाए कि पूरा प्रशांत बिहार अमर हो। अब कई लोग कहेंगे भाई दूसरे बिहार से भी आए हैं, सरस्वती बिहार अशोक बिहार ऐसे ही है, सरस्वती बिहार है, चलो तो कोई बिहार है, जो जिस बिहार से आए हो सब बिहारी जी के पास आए हो। और बिहारी जी के पास आने के बाद फिर बिहार तो भूले जाएगा, फिर तो बिहारी जी याद रहे। अच्छा लगता है लोगों का जो उत्साह है, जुनून है, और उसी का फल है कि लगता है कि नया नया रस यहां देकर के जाया करें। और प्राय कन्हैया की कृपा है कि हर बार कथा में कुछ ना कुछ नया आप लोगों को न मिले तो झूठ मत बोल देना, मिलता हो तभी बोलना, नहीं मिले तो कोई बात। जितने भगवत कथा के रसिक सब के सब भागे जा रहे हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय रस लंपता भावंत प्यायो सर्वे प्रथमं ये च